हेलो माय लिटिल क्यूटीज़, दिस इज़ योर टीचर सपना मैम फ्रॉम परवस स्कूल। स्टूडेंट, टुडेज क्लास इंग्लिश रिटन क्लास, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न कैपिटल कर्सिव आई एंड दिस इज़ स्मॉल कर्सिव आई। ओके, नाउ फर्स्ट वी विल ट्राई टू मेक कैपिटल कर्सिव आई। सो वी विल पुट अवर पेंसिल पॉइंट ऑन सेकेंड लाइन and take a small curve and go up, come down and take a curve like this. Okay students, go up, down and take a curve, go up, down and take a curve. Okay students, and now we will try to make a small cursive I. We put our pencil point on third line and go up, come down like this. Okay, we will try again, go up, down, go up and down. Okay, now we will try to make both capital cursive I, small cursive I, capital cursive I, small cursive I, capital cursive I, small cursive I. Okay students, so this is your classwork and this is your homework. You have to done both work, and now you can see this is your book and you have to practice H like this. First we will trace it like this, H. पहले हम इस तरह से इसे ट्रेस करेंगे। आफ्टर देन हमें पूरा पेज फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस स्मॉल कर्सिव H. पहले हम इसे इस तरह से ट्रेस करेंगे, H. आफ्टर देन आपको ये पूरा पेज फिल करना है। ओके, आफ्टर देन हम स्मॉल एंड कैपिटल H की प्रैक्टिस एक साथ करेंगे, कैपिटल कर्सिव H, स्मॉल कर्सिव H. पहले हम इसे इस तरह से ट्रेस करेंगे, कैपिटल कर्सिव H, स्मॉल कर्सिव H. आफ्टर देन आप ये पूरा पेज फिल करेंगे। ओके, एंड नाउ कैपिटल कर्सिव ई, स्मॉल कर्सिव ई। पहले हम इसे इस तरह से ट्रेस करेंगे, कैपिटल कर्सिव एफ, स्मॉल कर्सिव एफ, कैपिटल कर्सिव जी, स्मॉल कर्सिव जी, कैपिटल कर्सिव एच, स्मॉल कर्सिव एच। ओके, आफ्टर देन आप ये पूरा पेज फिल करेंगे। देन यू हैव टू प्रैक्टिस कैपिटल कर्सिव आई लाइक दिस। फर्स्ट वी विल ट्रेस इट लाइक दिस। पहले हम इसे इस तरह से ट्रेस करेंगे, आफ्टर देन आप ये पूरा पेज फिल करेंगे। आफ्टर देन वी विल प्रैक्टिस स्मॉल कर्सिव आई लाइक दिस, आई। आफ्टर देन आप ये पूरा पेज फिल करेंगे। देन वी विल प्रैक्टिस बोथ लेटर टुगेदर, कैपिटल कर्सिव आई, स्मॉल कर्सिव आई। पहले हम इसे इस तरह से ट्रेस करेंगे, कैपिटल कर्सिव आई, स्मॉल कर्सिव आई। आफ्टर देन आप ये पूरा पेज फिल करेंगे। एंड नाउ दिस टाइम फॉर एक्टिविटी टाइम। You can see students, put a tick below the pictures that begin with letter O. Means हमें उस picture के box में tick करना है जो letter O से start होता है. Okay? So, what is this? This is orange. O for orange. O for octopus. O for ostrich. S for spinner. तो हम इस पर tick नहीं करेंगे.
लेडी बर्ड, तो हम इस पे भी टिक नहीं करेंगे, ओ फॉर आउल। ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ योर सेकंड एक्टिविटी इज पुट अ टिक बिलो द पिक्चर्स दैट बिगिन विद लेटर पी। मीन्स हमें उस पिक्चर के बॉक्स पे टिक करना है जो लेटर पी से स्टार्ट होता है। ओके, सो लेट्स सी, पी फॉर पैरोट, पी फॉर पियानो, पी फॉर पिलो एंड एन फॉर नेट, तो हम इस पे टिक नहीं करेंगे, पी फॉर पैन, पी फॉर पेंसिल। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ योर क्लास वर्क एंड स्टूडेंट्स दिस इज़ योर होमवर्क। पुट अ टिक बिलो द पिक्चर्स दैट बिगिन विद लेटर क्यू, मीन्स आपको उस पिक्चर के बॉक्स पे टिक करना है जो लेटर क्यू से स्टार्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ योर होमवर्क एंड यू हैव टू डन योर ऑल वर्क्स एंड सेंड मी पिक्चर्स ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू।